दोस्तों, जब भी आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। चैलेंज क्या होता है? वो ये होता है कि आपको अपने साथ भैया लेके जाना होता है लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक छोटे से वॉलेट के अंदर या आपके जेब के अंदर। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग ये डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करते और यहीं पे उनके कटने लगते हैं चालान, क्योंकि जहाँ भी आपने कोई ट्रैफिक रूल वॉयलेट किया या कहीं नॉर्मल चेकिंग हो गई तो वहाँ पे भाई ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने बोला कि भैया सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। आपने बोला अंकल जी डॉक्यूमेंट्स तो रखे हैं घर पे, और अंकल ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स घर पे रखे हैं तो चलो भैया पैसा निकालो और फाइन काटो। तो रुको रुको दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ आने वाला है नया बदलाव। और क्या है बदलाव, अभी जानते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। तो भैया यहाँ पे सेक्शन थे पहले, सेक्शन 130 और सेक्शन 171, जिसके थ्रू ये कानून बना हुआ था इंडिया में कि अगर आपके पास आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है व्हीकल के, तो फिर वहाँ पे आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, आप पे फाइन मारा जा सकता है। लेकिन अब जो नया कानून आया है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से, वो ऐसा कानून है कि यहाँ पे आपको होगी बहुत खुशी है जान के। तो देखिए भैया, मद्रास हाईकोर्ट का यहाँ पे कहना क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो पाए। और मोदी गवर्नमेंट का जो खास मकसद रहा वो दोस्तों वो तो रहा डिजिटल इंडिया, मतलब सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन हो जाए, डिजिटल हो जाए। तो भाई आज के इस समय में जहाँ पे भाई सब कुछ जा रहा है ऑनलाइन, सब कुछ हो रहा है डिजिटल, यहाँ पे लाइसेंस या फिर आपके व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफलाइन क्यों रहे? तो भैया अब आ गया यहाँ पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, और उसके तहत क्या कर सकते हो आप? आपको सिंपल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन कैरी करना है। ऑनलाइन कैरी करने का मतलब कि सब कुछ आपके फोन में कैरी करना है। तो चलिए आते हैं इस मुद्दे पे कि जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, और स्मार्टफोन है तो यहाँ पे आप सिंपली दो एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। तो भाई पहला एप्लीकेशन जो है वो है दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर, और जो दूसरा एप्लीकेशन है दोस्तों वो यहाँ पे है एम परिवहन। अब ये दोनों एप्लीकेशन आपके चॉइस के ऊपर है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, एप्पल यूजर हो, कोई भी यूजर हो, ये दोनों एप्लीकेशन आपको अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसके बाद आप उसमें जाके अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर लीजिए। ये करने के बाद भैया यहाँ पे हो जाता है आपका काम। और अगली बार जब भी आते हो आप किसी भी पुलिस वाले के कॉन्टेक्ट में, भैया वहाँ पे बोलता है कि भैया लाइसेंस दिखाओ, RC दिखाओ, नहीं तो आगे नहीं जाने दूंगा, फाइन कटेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, तो यहाँ पे आप सीधे बोलो कि भैया ये लो मेरा फोन और इसके अंदर है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे है मेरा लाइसेंस, यहाँ पे है मेरा RC, यहाँ पे है मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप वहाँ पे डायरेक्टली फोन के थ्रू दिखा सकते हो और वो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो चलिए ये तो हो गई बातें, अब ये डिजी लॉकर दिखता कैसा है, मैंने खुद ने ट्राई किया इसको, तो भाई यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन पे ये होता है डिजी लॉकर। तो भैया ये होता है यहाँ पे डिजी लॉकर, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इशू डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड इनटू डिजिटल लॉकर बाय रजिस्ट्रेशन इशूअर्स डायरेक्टली एंड आर एट पार विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT Act। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इशू किए जा रहे हैं डिजी लॉकर के अंदर वो यहाँ पे फुल्ली वेरीफाइड है और वो फुल्ली तरीके से वैलिड है एज पर IT Act of India। तो मतलब कि इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप कहीं भी दिखा के उससे काम ले सकते हो। अब चलो भैया हम जा रहे हैं रोड पर, वहां पे पकड़ लिया पुलिस वाले अंकल ने, उन्होंने बोला कि भैया दिखाओ यहाँ पे सबसे पहले आप लाइसेंस। हम बोलेंगे रुको अंकल जी ये रहा लाइसेंस। तो भैया ये रहा लाइसेंस, देखो यहाँ पे डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना आप, ये चीज जरूर होनी चाहिए, वो क्या, आपके लाइसेंस के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डिजी लॉकर वेरीफाइड ब्लू कलर का, सॉरी ब्लू नहीं ये पर्पल है, हाँ पर्पल कलर का टिक लगा हुआ है, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि इसके बिना ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अंकल जी ये लो लाइसेंस। अंकल ने बोला हाँ 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 ठीक है ठीक है, चलो आगे चलो। फिर अंकल ने बोला कि नहीं भैया आप इससे नहीं मानूंगा मैं, मेरे को तो फाइन काटना ही है, आपको मुझे दिखानी होगी RC। अब भैया चलो RC की बात आई, ये लो जी अंकल यहाँ पे आ गया RC। तो देखो ये भी यहाँ पे RC आ गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये डिजिटल लॉकर वेरीफाइड है, मतलब कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से एज पर गवर्नमेंट IT Act, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन कॉपी के थ्रू वैलिड है, यहाँ पे मेरे को फिजिकल कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप, एम परिवहन ऐप भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप कहीं भी फंस जाते हो तो आप इस दोनों एप्लीकेशन को काम में ले सकते हो, दोनों एप्लीकेशन पूरी तरीके से वैलिड माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगली बार जब भी आप फंसोगे पुलिस वाले अंकल के साथ या मामा जी के साथ, तो वहां पे जब मामा जी बोलेंगे कि भैया दिखाओ दिखाओ कागज, तो आप बोलोगे अंकल जी ये लो ये लो ये लो कागज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, इसके साथ ही आपके मन में कोई डाउट है
इस एप्लीकेशन को लेके या इस कॉन्सेप्ट को लेके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मुझे बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।